दिखाते हैं। वाह, जैपनीज याकितोरी रेस्टोरेंट, याकितोरी रेस्टोरेंट। वाह, तो रॉ है थोड़ा। ओह, हेल्थी फूड और टेस्टी फूड। ये देखिए इदावाशी स्टेशन है, असल में स्टेशन का नाम है इदावाशी, पर जब हम जहाँ हम जा रहे हैं वो है खागुराजा का। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ जब कभी आप आएँ तो आपको आने में आसानी रहे। ये देखिए मेट्रो स्टेशन है इदावाशी, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आपको कई ट्रेन मिल जाएगी मेट्रो, यहाँ से आप आएंगे, यहाँ से आपको निकलते ही 5 मिनट पैदल लगेंगे रेस्टोरेंट जाने के लिए। आइए, खागुराजा का बहुत फेमस जगह है, एक तो यंग पीपल्स के लिए और दूसरा यहाँ पे फ्रेंच एम्बेसी भी है, तो यहाँ पे फॉरनर्स काफ़ी हैं। अगर आप चिकन आपके शौकीन हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्या होता है स्पाइस भी कम है और जस्ट ये आपको सेक के देते हैं और एक जैपनीज़ फ्लेवर आता है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है रेस्टोरेंट, तो आज हम पहले एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको अगली बार एक थोड़ा कम एक्सपेंसिव मींस लो बजट के रेस्टोरेंट में लेके चलेंगे, पर वहाँ पे जाएंगे हम शाम को, वो दिखाते हैं आपको। हमने ऑर्डर किया था जैपनीज़ ऑमलेट, ये देखिए जैपनीज़ ऑमलेट है, ये देख रहे हैं, ये है जैपनीज़ ऑमलेट। ये भी बहुत खाते हैं, और इसमें क्या है, ना नमक है ना कोई स्पाइस है, जस्ट अंडे को फेंट के लेयर बाई लेयर बनाती है। आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से एकदम, और इसके साथ में दिए इन्होंने मूली के ऊपर सोया सॉस। ये ज़्यादातर यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स में देते हैं, ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ट्राई करते हैं इसको। ये है, ये देखिए इसकी लेयर देख रहे हैं आप, लेयर, ये लेयर बाय लेयर बनाते हैं इसको, इसको और इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे हम मूली, ये मूली इसके ऊपर, ये फ्रेश बनाया, बहुत फ्लफी है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि ये जो अंडा है किस क्वालिटी का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। यहाँ पे भी बहुत क्वालिटी के अंडे मिलते हैं आपको, 10 yen से लेके 600 yen तक का एक अंडा मिलेगा, तो ये लग रहा है अच्छी क्वालिटी का अंडा है, क्योंकि इसका जो टेस्ट है वो बता रहा है। आप देख रहे हैं इसमें देख कैसे, ये देखिए कैसा जूस सा निकल रहा है, ये देखिए करेंगे, ये देखिए सारा, ये बहुत फ्लफी एकदम फ्रेश, वो कहते हैं सॉफ्ट सा मुंह में जाते ही घुल जाएगा, वो टेस्ट है इसका। देखिए हमने जो दूसरा ऑर्डर किया था बताया था आपको, ये चिकन और ये वाला ऑर्डर हमने किया था, ये आ गया है, ये देखिए ये पूरा सेट है, ये टोफू, ये थोड़ी सी ड्राई मूली है, ये थोड़ी खट्टी मीठी होती है, ये देखिए ये है, ये साथ में सेट के साथ मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये जो अभी हमने दिखाया था टोफू, वो ही एक सेट के साथ है, वो थोड़ा सा टोफू दिया हुआ है। अच्छा, ये सूप है, चिकन सूप है, ये देखिए छोटे से में चिकन सूप दिया हुआ है ये। अच्छा, मेन है ये दिखाते हैं, वाओ ये देख रहे हैं, बहुत कम रेस्टोरेंट में दिखेगा आपको कि जैसे आप फोटो मेन्यू में होती है वैसा ही सेम खाना हो, नहीं तो कई रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट क्या होता है कि फ़ोटो अलग होती है, खाना जाओ जब तो वो खाना अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो अलग तरीके से आता है, पर आप इस देख रहे होंगे जैसा फ़ोटो में दिख रहा है सेम वही है। और आप अंडे का कलर देख रहे हैं इसका, कि रॉ है गया है, इसका कलर देख रहे हैं आप, एकदम येलोइश, एकदम येलो है इसका कलर, देखिए चिकन है। अच्छा, ये और इसके नीचे राइस है, दिखाते हैं आपको, ये लकड़ी की चम्मच दिया है इन्होंने, ये इसको क्या करेंगे हम, पहले
अंडे को तोड़ लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये इसके ऊपर देखिए कितना हेल्थी फूड है, ठीक है। ये देखिए, ये नीचे राइस, ये देखिए नीचे राइस है, ये थोड़ा सा राइस लिया, रॉ एग लिया और ये चिकन का पीस लिया, ठीक है। देखते हैं कैसा है ये। हल्का सा मीठापन है सोई सॉस का, चिकन का फ्लेवर अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया फ्लेवर है चिकन का, बहुत सॉफ्ट है चिकन। वो जो इसका जो टेस्ट है बड़ा माइल्ड सा है, हल्का मीठापन है, मतलब इसे कहेंगे कि सबका कॉम्बिनेशन एकदम बेस्ट है। इसमें स्पाइस बिल्कुल नहीं है, मतलब टिपिकल जैपनीज फ्लेवर है। खाना खा लिया है, बहुत मज़ा आया, और सबसे अच्छी बात थी ना, खाना बड़ा हेल्दी था, ना इसके अंदर स्पाइस था, ना इसके अंदर तेल था, बहुत हेल्दी फूड था। मैं रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कभी आए टोक्यो में तो खागुजाका में इस रेस्टोरेंट में ज़रूर आप ट्राई करिएगा। इसका जो चिकन है ना, उसका अलग ही टेस्ट है। मेरे तो बहुत अच्छा लगा, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। नमस्कार, अब अगले एपिसोड में मिलते हैं आपसे, बाय।